Assalamualaikum, welcome back to the another video. Namaste ji, sat sri akal. I hope you all are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करेंगे, ये वीडियो है लोक पापियो के वर्सेस इंडियन कश्मीर, विच वन इज द बेस्ट रिव्यूज फ्रॉम लोकल्स. लोकल कश्मीरी से रिव्यूज सुनेंगे कि कौन सा कश्मीर ज्यादा बेहतर है. वैसे तो जाहिर सी बात है, जो जहाँ पर रहता है उसको वहाँ का मालूम होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ का अच्छा नहीं है तो यहाँ का अच्छा है, ऐसा नहीं होता. बट क्योंकि लोगों के एक सोच भी होती है, तो उसको भी हम देखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे. चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें. तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो यस, हियर वी गो. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं और मेरा और आपका यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद. जैसे कि बात करेंगे कश्मीर के टूरिज्म के बारे में, कश्मीर के टूरिज्म के लिए कई मीटिंग्स हुई, G20 समिट हुआ, जिसपे ख़ास तौर पर कश्मीर के टूरिज्म को फ़रोग के लिए बातचीत की गई. कश्मीर का टूरिज्म जिस प्रकार से हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया, और ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाया कि कश्मीर का टूरिज्म बूस्ट हो रहा है. लेकिन आज कंपैरिजन करेंगे POJK का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है, आज कंपैरिजन करेंगे अपने इंडियन कश्मीर का कि यहाँ पे टूरिज्म को किस कदर बूस्ट मिला है. यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे. आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के जी. आपका नाम जानेंगे? शिवम सिंह. कहाँ से आए हैं? UP. देखिए, आपसे जानेंगे, क्या लगता है आपको एज ए भारतवासी, आपको इंडियन कश्मीर की अगर हम बात करें, क्या चीज़ें आपको यहाँ के टूरिज्म में डिफरेंट लगी, और आपको क्या लगा यहाँ का टूरिज्म किस कदर, यहाँ के जितने भी लोग हैं टूरिज्म किस कदर बूस्ट हो रहा है, अगर बात करें इन कंपैरिजन टू POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर. बहुत तेज़ी से बूस्टअप हो रहा है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सब देख के बहुत खुशी मिलती है. कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी असुविधा नहीं हो रही हम लोगों को. हर जगह हम लोग अच्छे से घूम फिर पा रहे हैं. और जैसे कि अभी हम कल सोनमर्ग के लिए गए थे, हर जगह सिक्योरिटी बहुत अच्छी है. आज भी हम संग्राचार टेम्पल होके आए हैं. हर जगह जो चीज़ बूस्टअप हुई है टूरिज्म को लेकर, वो बहुत अच्छी है, कमाल की है. डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें टूरिज्म में, आपको अगर अपनी प्लेस या फिर POJK की बात करें, क्या चीज़ें आपको नई लगी? क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या सिनेरियो चल रहा है. इकोनॉमी नहीं है वहाँ पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्स्ट है. तो अगर यहाँ की कश्मीर की बात करें, तो आपको क्या लगा किस कदर टूरिज्म में बूस्ट है, क्या क्या चीज़ आपको नई दिखाई देखने को मिली टूरिज्म? बहुत सी चीज़ें सारी नई दिखाई दे रही हैं. वैसे तो हम कश्मीर हमारा पहली बार आना हुआ, हम UP से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम भारत के कई अलग अलग राज्यों में गए हैं. उनमें से सबसे बेहतर आज तक की मेरी ट्रिप यही हुई है. जो कश्मीर आकर हमको जो फील मिला है, वो अब तक हमको कहीं और किसी राज्य में जाके फील नहीं आया था. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर आने का. शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, जैसा कि आपको बी ऑनेस्ट हम बताएं, यहाँ पर आके थोड़ा डर लग रहा था जब पहली बार हम अपनी कैब में बैठे थे. सारी चीज़ें हैं जो हम पहली बार आके कैब में बैठे थे, तो वो जो कश्मीर लैंग्वेज बात कर रहे थे, तब थोड़ा सा फियर मन में आया था. लेकिन हमको यहाँ करीब करीब 2 दिन हो गए हैं, और बहुत अपनापन वाली फीलिंग आ रही, लग ही नहीं रहा कि हम भारत, मतलब जैसे कि सबको मन में थिंकिंग है ना कश्मीर को लेके, वो चीज़ की बिल्कुल ही फीलिंग नहीं आ रही. बहुत ही अपनापन है, हर तरीके से अपनापन है. लोग कैसे लगे, और अगर सुविधाओं के हिसाब से बात करें, फॉर एग्जाम्पल POJK में अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट होता है, तो वहाँ पे वैसे होटल्स नहीं होते, रिजॉर्ट्स नहीं होते, काफ़ी कुछ वहाँ के लोगों को सफर करना पड़ता है. आप जरा बता दें आपको कैसी सुविधाएं, किस किस्म की अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं? जैसे कि हम बोलना चाहेंगे, आपसे बोल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम UP के हम वेज प्रेफर करते हैं, थोड़ा सा मन में ये भी डाउट था. बट यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल हैं जो पूरा वेज ही खाना देते हैं. तो होटल से लेके घूमने से लेके हर तरफ की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं. क्या मैसेज देना चाहोगे डिफरेंट राज्यों से या डिफरेंट मुल्कों से लोग आना चाहते हैं कश्मीर, क्या पैगाम देना चाहोगे? यही कहेंगे कि जो कहा जाता है कि मतलब ये पृथ्वी का स्वर्ग है, वाकई में ये पृथ्वी का स्वर्ग है. अगर दुनिया में आए हैं तो एक बार कश्मीर जरूर विजिट करिए, हर हाल में एक बार कश्मीर आइए. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे. हेलो, आपका नाम जानेंगे? तन्वी ठक्कर. कहाँ से आए हैं आप? कच्छ, गुजरात से. आपसे जानेंगे क्या लगा आपको कश्मीर में टूरिज्म, अगर बात करें कश्मीर की टूरिज्म के हवाले से, अगर हम बात करें तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस टाइम पे POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, एंड कश्मीर के टूरिज्म का, क्या चीज़ आपको नई लगी एज ए भारतवासी, क्या लगा आपको टूरिज्म में किस कदर बूस्ट है? आज मेरा फर्स्ट डे ही है, तो मैं जस्ट अभी अराइव हुई हूँ. अच्छा लग रहा है वैसे तो.
टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, सुविधाओं के हवाले से अगर हम बात करें, तो होटल रिजॉर्ट्स या अगर पीओजे के लोगों के हवाले से बात करें, तो वहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। रिजॉर्ट्स होटल्स यू नो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको क्या चीज़ें डिफरेंट लगी यहाँ पे? डेवलपमेंट काफ़ी सारा अच्छा हुआ है और अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छी है, अच्छा लगा। फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी लोगों को? हाँ, कश्मीर तो हेवन ऑन अर्थ, एक बार तो मतलब आना ही चाहिए। सेफ है कश्मीर? या वेरी सेफ, और रास्ते में भी BSF मतलब आर्मी वालों ने बहुत एकदम से जैसे कि इंक्वायरी करके कि आप सेफ हो ना, आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपको कुछ दिक्कत नहीं है ना, ऐसा पूछा। हमको बहुत सेफ फील हुआ एंड रियली एंजॉय। कश्मीर तरक्की कर रहा है टूरिज्म के हवाले से, आपका ये मान? या ऑफ कोर्स। चलिए बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, नाम जानेंगे आप? मैं आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम मीना है। कहाँ से आया आप? हाँ, मैं गुजरात से आया। गुजरात से आई है, क्या चीज़ आपको नई लगी कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, तो आपको डेवलपमेंट के हिसाब से या फिर? उसने बता दिया ना, आप बताएं। नहीं, लेट हो रहे हो, आप बताए ना। लेट हो रहे, सॉरी। चलिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्य ठक्कर। कहाँ से है? मैं गुजरात से। देखिए, आपसे जानेंगे, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं पीओजे के, आपने नाम तो सुना होगा, जो पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कब हम वापस लेंगे वो? वो आप बहुत ही जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत ही बहुत बढ़िया जगह है, और मतलब जिस हिसाब से थोड़े टाइम पहले तक टेंशन चल रहा था, उसके बदले अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बट मतलब जो स्विट्जरलैंड कहते हैं ना, उसका मिनी स्विट्जरलैंड जो कहते हैं, वो मतलब सच बात है यहाँ के बाद। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, आप भी जानते हैं वहाँ पे हालात बहुत नासाजा है, वहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, तो इस टाइम पे हम वहाँ के टूरिज्म, पीओजेके के टूरिज्म और कश्मीर के टूरिज्म में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या लगता है कोई कंपैरिजन है? वहाँ का क्या हालत है वो मुझे नहीं पता, बट अकॉर्डिंग इधर देखें तो यहाँ का मतलब बहुत ही मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है अभी तो। मतलब कोई भी किसी भी जात की टेंशन या कोई भी जात का मतलब क्या बोलते हैं कि कोई प्रेशर ही नहीं है किसी पर भी, सब अच्छी तरह से घूम रहे हैं, अब एक दूसरे से मिल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीरी कैसे लगे? कश्मीरी में अभी तक जितने मिला वो सब बढ़िया लगे, सारे मीठे लोग हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा है उनमें? किसका? हुब्बुल वतनी, पैट्रियटिज्म, आधे पैट्रियटिक? यस दे आर। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप बाकी लोगों के लिए? कुछ नहीं, बस सब अपनी तरह प्यार बनाए रखे, सब एक साथ एक भाईचारा बनाए रखे और अपने देश का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की, छोटी सी बच्ची है यहाँ पे हमारे साथ, ये भाग रही है, भाग रही है, लेकिन फिर भी हम सवाल जारी रखेंगे, आपसे नाम जानेंगे। सुहानी। कहाँ से आया है? गुजरात। अच्छा, भाग क्यों रहे थे आप? अच्छा, आपसे जानेंगे टूरिज्म के हवाले से, कैसा लगा आपको कश्मीर? आपने कितनी बार कश्मीर विजिट किया और कैसा लगा यहाँ का माहौल? पहली बार विजिट किया है, बहुत अच्छा लगा व्यू और बहुत सब। हम जब रास्ते में आए तब बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कितनी प्लेसेस विजिट किया अब तक? शायद से ये ऐसे श्रीनगर में फर्स्ट टाइम है, वैसे पहले हम गए थे कटरा में, हम गए थे सीन में, उधर हमने रिवर राफ्टिंग की थी, वो बहुत पसंद आया। पहले उधर डर रही थी, फिर अब मेरे को वो अच्छा लगा। सुविधाएं सभी मिली आपको? हाँ। सरकार से खुश है जम्मू कश्मीर की सरकार से? हाँ। क्या मैसेज देना चाहोगे आप बाकी लोगों को? आना चाहिए इधर कश्मीर, अगर आप इधर हो मतलब अपने इंडिया में, तो आपको इधर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपका नाम जानेंगे? जितेंद्र ठक्कर। कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से, सब लोग गुजरात से आए हैं। आपसे जानेंगे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं पीओजे के, आप भी जानते हैं हमारा एक कश्मीर पाकिस्तान के पास है। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, क्या लगता है जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट तरक्की कर रही है, कब तक हम अपने उस वाले कश्मीर को वापस ले सकते हैं? बस आप ट्राई करते रहिए, और हमारा मैसेज है कि सब, हम तो कहते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, बस मेरा मैसेज सब रहते हैं। ये हिंदुस्तान सबके लिए है, सबको एक के लिए नहीं है, सबके लिए। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, जो भी हो आप अपना भाईचारा बना के रखो, हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, सब हम भाई हैं, बस यही मेरा मैसेज है। कश्मीर में किस प्रकार की सुविधाएं आपको दिखाई देखने को मिली, कश्मीर में माहौल कैसा दिखाई देखने को मिला, और टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें, किस कदर आपको लगता है G20 की मीटिंग से कश्मीर का टूरिज्म बूस्ट हुआ है? मैं तो शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा
कि जो इंडिया में जो लोग रहते हैं कश्मीर नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा, बस यहाँ पे आपको सभी सुविधाएं मिली। नहीं बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा, होटल्स रिजॉर्ट सब अच्छा था। जी जी बिल्कुल। हाउस बोट विजिट किया आपने? नहीं बस अभी आ रहे हैं, अभी आए हैं अभी। तो शिकारा राइड आपने की? नहीं वो बाकी है अभी। तो बाकी है अभी, लाइक अभी आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहोगे आप बाकी लोगों को? बस अभी तो कश्मीर आइए। हाँ कश्मीर आइए और बस कश्मीर एकदम सेफ है, बिल्कुल कुछ आप टेंशन नहीं करें, हिंदू मुस्लिम सब एक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोगों से यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पे और लोग हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम जानेंगे? साहिल। कहाँ से है? पंजाब से। पंजाब से आप आए हैं, क्या लगा आपको यहाँ के टूरिज्म में, किस कदर आपको बूस्ट दिखाई देखने को मिला, कैसा लगा यहाँ का टूरिज्म? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आए हम एक बार, अब दोबारा आया 10 साल बाद। यहाँ की जो मेन ब्यूटी है डल लेक है, गार्डन है, आगे अभी और भी घूमना है, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, ये सारा कुछ देखने को, काफी कुछ है देखने को। सुविधाएं कैसी दिखाई देखने को मिली? काफी चेंज हो गया आगे से, बहुत अच्छा हो गया। कितनी बार कश्मीर आए? ये दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आप कश्मीर आए, तो आज हम यहाँ पे पीओजे के, आप जानते होंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ की हालत भी जानते होंगे, वहाँ के टूरिज्म की हालत भी जानते होंगे, हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि उन अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो गया पहले से? आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में और यहाँ के टूरिज्म में कंपैरिजन किया जा सकता है, जिस प्रकार से अगर डेवलपमेंट की बात करें? नहीं डेवलपमेंट ये यहाँ पे सही, यहाँ पे ही है, सही है। आपसे बात करेंगे, आपका नाम जानेंगे? दीपिका। कहाँ से है? पंजाब। पंजाब से। तो कैसा लगा आपको यहाँ का टूरिज्म? या इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग ओवर हियर एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और मोर इम्पॉर्टेंट, एक इनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, बिकॉज एवरीबडी उनका वे ऑफ टॉकिंग कह लो, बुलाना और बिठाना एंड ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा। कश्मीर आपको बहुत अच्छे लगे? या डेफिनेटली। क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी लोग? या थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग ट्रीटमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कश्मीर के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से, हमने बातचीत की कि किस प्रकार से यू नो यहाँ पे टूरिज्म में बूस्ट है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है टूरिस्ट को मिल रही है। तो ऐसी ग्राउंड रियलिटी से आपको आगाह कराते रहेंगे, तब तक आप जुड़े रहे जय हिंद जय भारत जय कश्मीर। इंडिया का जो कश्मीर है उसमें डिफरेंस है, मतलब के डेवलपमेंट के हिसाब से बात की जा रही है। इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है आफ्टर, अब आप इसको कह सकते हैं कि ये G20 के बाद या G20 की वजह से हुआ है, या फिर वैसे ही वो डेवलपमेंट इंडिया में होनी थी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में 370 जब से लगा था तब से कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट नहीं थी और काफ़ी हालात भी ख़राब रहते थे। बट 370 हटने के बाद हमने काफ़ी चेंजिंग्स देखी, जिसमें इंटरनेट देखा बहाल हो गया, उससे पहले 2G पर ही लोग गुजारा करते थे, और उसके अलावा आप टूरिज्म के हिसाब से भी इतना ख़ास कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अब क्योंकि 370 हटा है तो उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। जाहिर सी बात है जब आपको अपनी ही कंट्री में इतना अच्छा माहौल मिल जाता है इंजॉय करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरी कंट्रीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं। और हम हर कोई चाहता है ये कि हमारी कंट्री में ऐसी जगहें हों जहाँ पर हम इंजॉय करें, अच्छी सेल्फीज़ ले सकें, अच्छा वक्त गुजार सकें, तो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा फील भी करना चाहते हैं। तो ओवरऑल अच्छा लगा देखकर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के कश्मीर को कंपेयर किया गया। वैसे तो मैं कश्मीर गई नहीं हूँ, बट मैं अभी जाने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से अपने व्लॉग में भी शेयर करूँगी, वहाँ पर जो भी होगा व्लॉग के थ्रू मैं अपने कैमरे के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ लाइफस्टाइल कैसी है विदाउट एनी मसाला, ठीक है? तो वो तो मेरे व्लॉग्स में आप देखेंगे ही, बट ना मैं यहाँ पर एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जानने वाले जितने भी वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने बताया है कि कश्मीर में होटल्स बहुत सस्ते हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, और अगर हम देखें तो वहाँ पर रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और खाने पीने का सिस्टम अच्छा है। हाँ मॉल्स वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं है, इस तरह के वो मॉडर्न वगैरह सिस्टम नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से आप देखें या फिर टूरिज्म के हिसाब से देखें तो वहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वहाँ के लोकल भी इंडिया में इंजॉय करें सेम वैसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन
क्योंकि इंडिया में 370 हटने के बाद ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है जो कि इम्प्रूवमेंट आई है। पाकिस्तान में तो शुरू से ही ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहा है, जैसे पहले था वैसे ही अब है, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ है, ये बात सच है। तो इंडिया में अपग्रेड हुआ है, लेकिन भले वो G20 की वजह से हुआ है, भले वो किसी भी वजह से हुआ है, बट मैं इसके ऊपर तारीफ़ करूँगी वहाँ की गवर्नमेंट की कि उन्होंने कश्मीर को बहुत खूबसूरत बनाया है। पहले ही खूबसूरत था लेकिन और मज़ीद खूबसूरत कश्मीर को बना दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के लोगों के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि दे आर वेरी वेरी हैप्पी। सो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।